दो उपचुनावों में जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी मधुपुर उपचुनाव में लगातार व्यस्त हैं, वो चुनावी कवरेज सभा कर रहे हैं। अभी घसको में हम लोग हैं सर, लगातार आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके का रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है? ये बात आप जनता से पूछिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू और अपना पीठ हम नहीं थपथपाते, लोगों से पूछिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुद्दों पे बातचीत नहीं हो पा रही है, हालांकि आप लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, आपकी सभाओं को जब हम लोग कवरेज कर रहे हैं तो यह देखने को मिल भी रहा है कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं मुद्दों के आधार पे, लेकिन जो विपक्ष है खास करके बीजेपी यहाँ पे, वो लगातार हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बातें कर रही है। आप इस भाषण में अभी बोले भी कि रमजान और सरहुल और रामनवमी एक ही साथ आ रहा है, तो क्या ये भाजपा के द्वारा जो बातें गढ़ी जा रही है उसको काट के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं? कितने बार हम लोग इनको काटे बताइए, राज की जनता ने तो पहले ही इनको काट दिया है। सत्ता में बदलाव क्यों हुआ? बस ये जब लॉ बुझने लगता है ना तो बहुत ज्यादा वो धड़कने लगता है, बस यही आखिरी लॉ है। एक आखिरी सवाल ये है, आप सर लगातार ये बातें कर रहे हैं चुनाव के दौरान कि बीजेपी के उन वादों को याद दिला रहे हैं, 15 लाख रुपए की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, लेकिन जब हम लोग ग्रामीण इलाकों में सर घूम रहे हैं तो एक बातचीत ये भी बोली जा रही है कि हेमंत सोरेन ने जो चुनावी वायदे किए थे 2019 के चुनाव में उसको ठीक तरीके से अमलीजामा नहीं पहुँचाया जा रहा है, जबकि दुमका के उपचुनाव में भी आपने नौकरी की बात को लेकर के एक बात कही थी। कितने गिराओ बताओ, वायदे किए थे इन्हें कितनी नौकरी? उसके लिए आप आइए हमारे ऑफिस में, पूरी बकायदा दस्तावेज के साथ आपको दे दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो समीकरण यहाँ पे बना है उसको लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि दो उपचुनाव में तो आपको जीत मिली ही, हफीजुल अंसारी मंत्री भी हैं, और जो रिकॉर्ड रहा है झारखंड का अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो गुरु जी तक मुख्यमंत्री रहते चुनाव हारे हैं, ऐसे में सरकार खुद जब चुनाव लड़ रही है तो ये चैलेंज है या फिर लग रहा है कि हैट्रिक लगने वाला है? देश में प्रधानमंत्री भी चुनाव हारते हैं, लोकतंत्र का तो यही खूबसूरती है। हैट्रिक लगने वाला है? अब मैं कोई भविष्यवाणी करता तो हूँ नहीं और ना कोई ठग हूँ, ये ठगों का काम है जो इस तरीके की बातें करते हैं और सुनते हैं। हम बहुत धैर्य के साथ चलते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बोल रहे थे कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन धैर्य के साथ परिणाम का इंतजार कर रहा हूं, और इनको पूरी उम्मीद है कि जनता जो है जैसे दो उपचुनावों में महागठबंधन के साथ गई, वैसे ही मधुपुर के उपचुनाव में भी जनता महागठबंधन का साथ देगी। शुक्रिया। Share and subscribe www.thefollowup.in